ये मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। अल्लाहु अकबर। आज जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है ना, और जिस लेवल का हो रहा है, अगर उतनी ही लेवल का अब हम मुसलमानों को होश आ जाए तो वल्ला ही मंज़र पलट जाए। जुल्म को देखकर अगर वो नौजवान पीढ़ी, हमारी यंग जनरेशन जो आज सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, जो सोशल मीडिया पर डांस करती नज़र आ रही है, वो नौजवान बच्चे जिन्हें मस्जिदों में होना चाहिए, वो नाइट क्लब्स में नज़र आ रहे हैं, वो नौजवान जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए, उनके हाथों में सिगरेट, टोबैको, ड्रग्स, बियर बॉटल नज़र आ रही है, सुभान अल्लाह, वो नौजवान जिनके कानों में कुरान की तिलावत जानी चाहिए, वो म्यूज़िक सुन सुन कर पागल हो रहे हैं, वो नौजवान जिनके मुंह से अल्लाह का जिक्र निकलना चाहिए, उनके मुंह से फहश बातें, गालियां और सॉन्ग निकल रहे हैं, वो नौजवान जिनका हुलिया देखकर, जिनके अखलाक देखकर आप गवाही दे दें कि वल्ला ही ये सच्चे मुसलमान हैं, आज वो पहचाने ही नहीं जाते कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। वो नौजवान जिन्हें निकाह को फौकियत देना चाहिए, वो हराम रिलेशनशिप में मदहोश पड़े हैं। मज़लूम मुसलमान आवाज़ें दे रहे हैं कि कहाँ है मुसलमान, कहाँ है मुसलमान नौजवान, और यहाँ मुस्लिम नौजवान गर्लफ्रेंड को मनाने में और गर्लफ्रेंड बनाने में बिजी हैं। सुभान अल्लाह। वल्लाही वो बहादुर मुसलमान आपसे ज़्यादा बेहतर हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनके घर के घर तबाह हो रहे हैं, तब भी उनके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल निकल रहा है, और हम यहाँ इतनी अच्छी हालत में हैं, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके बावजूद हम मामूली मामूली बातों में अल्लाह से शिकायतें करने बैठ जाते हैं। ये मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल, मासूमों की लाशें, खून में लतपत जिस्म भी आपको नहीं बदल रहे हैं, तो फिर आपको कोई नहीं बदल सकता। क्या होगा जब क़यामत में ये मज़लूम मुसलमान, ये मासूम बच्चे जिन पर जुल्म हो रहा है, या आपके मुसलमान मज़लूम भाई बहनें जिन्हें बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है, ये आपका गरेबान पकड़कर आपकी शिकायत अल्लाह से करेंगे? क्या जवाब देंगे आप अल्लाह को कि कैसे आप अय्याशियों में पड़े थे, कैसे ज़िंदगी इंजॉय कर रहे थे, कैसे मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को नज़रअंदाज किए हुए थे, कैसे आपका ज़मीर सोया हुआ था, कैसे आप गाफिलों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, कैसे मुसलमान होकर भी आपने दूसरे मुसलमानों की मदद नहीं की जो पुकारते रह गए कि कहाँ है मुसलमान, वेयर आर द मुस्लिम्स, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मते मुस्लिमा एक बॉडी की तरह है, अगर बॉडी के एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरी बॉडी इस दर्द को फील करती है, तो आपको दर्द फील नहीं हो रहा है? जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ सोते हुए शेरों के नारे लगाए जा रहे हैं, मगर जो मुसलमान फजर में नहीं जाग सकता, क्या जागेगा वो मुस्लिम उम्मत के लिए, बताइए? यानी मस्जिदें तो फ्री हैं मगर फिर भी खाली पड़ी हुई हैं, और वो नाइट क्लब्स जहां आप पैसे देकर गुनाह करने जाते हो वो आबाद हैं, यानी जो जन्नत फ्री में मिल सकती है उसे टोटली इग्नोर किए हुए हैं, और पैसे खर्च कर कर के जहन्नुम के रास्तों पर भागे जा रहे हैं। अफसोस, हम मुसलमानों ने बेहयाई में बाकी कौमों को तो पीछे छोड़ दिया है। वो मज़लूम मुसलमान जिन पर जुल्म हो रहा है, वो लोग अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि इमाम मेहंदी आ जाएं, अल्लाह ताला इमाम मेहंदी को भेज दें, और वो इमाम मेहंदी को क्यों आवाज़ें लगा रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों से या मुस्लिम ममालिक से उम्मीदें ही ख़त्म हो चुकी हैं। मुस्लिम उम्मा का हाल आज हमारे सामने है। ये जो आज के मुसलमान कुरान से हिजरत करके सोशल मीडिया की शान बने हुए हैं, जहां हर तरह की बेहयाई फैला रहे हैं और उसका हिस्सा बन रहे हैं, कल ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अल्लाह से शिकायत करेंगे, ख़ुद कुरान उनके ख़िलाफ़ गवाही देगा। और हाँ, ये कोई हम दिल से बनाकर नहीं कह रहे हैं, ये आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि ख़ुद कुरान में है कि अल्लाह के रसूल शिकायत करेंगे अल्लाह से कि ऐ मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को बिल्कुल ही छोड़ रखा था। वल्लाही वन डे यू विल बी रिग्रेटिंग कि कुरान हमारे घरों में मौजूद था, हमारे इतने पास था, तो काश हमने इसे पढ़ा होता और समझा होता। वल्लाही जो मस्जिदें वीरान पड़ी हैं उन्हें जाकर आबाद करें, पहले आप अपने आप को एक मजबूत मुसलमान बनाएं। मेरे भाइयों, ये गुनाहों की ज़िंदगी से बाहर आ जाएं, ये ज़िंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है, इट इज़ टाइम टू लीव द लाइफ ऑफ सिन। वल्लाही दिस दुनिया इज़ नथिंग बट अ ब्यूटिफुल लाइफ।
ये वो वक्त आ गया है जब हमें अपने आप को हर तरह से मज़बूत बनाना है, गुनाहों से तौबा करना है। सीरियसली, जो लोग ऑलरेडी गुमराही के रास्ते पर हैं, जो पैसे लेकर बहादुर होने की एक्टिंग करते हैं, उनसे आप इम्प्रेस होना और उन्हें अपने रोल मॉडल बनाना और उनकी कॉपी करना टोटली छोड़ दें। आपको अगर बनना ही है ना, तो हज़रत उमर बने, खालिद बिन वलीद बने, हज़रत अली बने। मेरे भाइयों, ये वो वक्त है जब आपको अपने आप को बदलना है। ऐसे में आप अपने अंदर एक इनकलाब लेकर आएँ। अल्लाह ने कुरान में आपको प्रोटेक्टर कहा है ना, तो साबित करें कि आप प्रोटेक्टर हो, आप उम्मत मोहम्मदिया हो। वी नीड रियल मैन इन द सोसाइटी, प्लीज़ प्रूव इट।